दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल झारखंड CSC में। एक बार फिर से बहुत दिनों के बाद आया हूँ। और जैसे कि आप सभी को पता है कि CSC में हर 6 महीने में हमें जो अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट है VLE का, वो अपडेट करना पड़ता है। या फिर CSC की बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिसमें कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है या दिखाना पड़ता है या ऑफिस में जमा करना पड़ता है। और जब हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑफलाइन बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, हमें कम से कम 1 महीना लग जाता है इसमें। तो आज उन्हीं सब परेशानियों का हल लेके आया हूँ आपके पास। अगर आप झारखंड के VLE हैं, झारखंड में अगर आप CSC सेंटर चलाते हैं, आप अगर झारखंड के रहने वाले हैं, वीडियो में बताए गए मेथड से आप 10 से 15 दिन के अंदर घर बैठे अपना जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो बना सकते हैं। बस एक बार आपको अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में स्लिप लेके जाना पड़ेगा, उसके बाद और कहीं नहीं जाना है। तो चलिए वीडियो को लंबा ना खींचते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें आना है अपने ब्राउज़र पे और सर्च करना है citizen.jhpolice.gov.in। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये जो पहला वेबसाइट है हम उसमें चले जाएंगे। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए आपके पास सबसे पहले तो इस वेबसाइट का यूज़र आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। और अगर आपके पास नहीं है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आप कैसे रजिस्टर करोगे। हम यहाँ पे सिंपली क्लिक हेयर टू रजिस्टर योरसेल्फ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद एक फॉर्म आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, जिसमें हमें कुछ डिटेल्स अपनी जो है वो डालनी होती है। जैसे कि हो गया आपका प्रथम नाम, अंतिम नाम, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, आयु वगैरह सब आ जाएगा ऑटोमेटिक। वो भरना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना फर्स्ट नेम डालना है, उसके बाद आ जाएंगे अपने लास्ट नेम पे, अगर आपका मिडिल नेम है तो वो डाल लें। उसके बाद आते हैं मोबाइल नंबर पे, मोबाइल नंबर हमें डाल लिया, लैंडलाइन नंबर ज़रूरी नहीं है, अगर है तो डाल दीजिए। उसके बाद है आपका जो जेंडर है वो, फिर है पहचान का प्रकार। तो आप यहाँ क्या डाल सकते हैं, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। हम चलिए आधार कार्ड यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आईडी संख्या, यानी कि जो आपका आधार नंबर है वो आपको डालना है। फिर आता है जन्मतिथि, जन्मतिथि यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे कैलेंडर में, जो आपके आधार में हो आप वही डालें, क्योंकि वेरिफिकेशन में बहुत दिक्कत होती है। उसके बाद देखिए एड्रेस में जो जहाँ जहाँ स्टार मार्क है हम उसे ही भरेंगे केवल, बाकी को छोड़ देंगे। तो देश में हमारा भारत पहले से सेलेक्ट है। राज्य में आएंगे, हमारा जो राज्य है वो है झारखंड। उसके बाद ज़िला, ज़िला जो है हमारा वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम हज़ारीबाग से आते हैं, हम हज़ारीबाग यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद है आपके गांव का नाम, तो चलिए हम गांव का नाम भी टाइप कर देते हैं। उसके बाद है आपका पुलिस थाना, ये है आपका स्थायी पता। अगर आपका स्थायी पता और वर्तमान पता अलग है तो आप यहाँ नहीं करके अपना जो वर्तमान पता है वो डाल सकते हैं, वरना यहाँ पे हाँ ही सेलेक्ट करें। उसके बाद है लॉगिन आईडी, अपने मन से आपको एक लॉगिन आईडी यहाँ टाइप कर लेना है, जो भी आपको रखना है यूज़र नेम के तौर पे। तो चलिए हमने लिख लिया है। देखिए यहाँ आईडी इज़ वैलिड लिख रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो यूज़र नेम है वो खाली है, और अगर खाली नहीं रहेगा तो ऑलरेडी यूज करके लिखा रहेगा। उसके बाद आपका सुरक्षा प्रश्न, अगर आप कभी अपना जो पासवर्ड है वो भूल जाते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको एक पासवर्ड बना लेना है और पासवर्ड को री एंटर कर लेना है। यहाँ पे देखिए हमारे 3 बटन हैं, पेश करें, रिक्त करें, बंद करें, ठीक है। तो जिनको हिंदी ज़्यादा समझ में नहीं आती है, पेश करें मतलब सबमिट हो गया, रिक्त करें मतलब रिसेट हो गया, बंद करें मतलब क्लोज हो गया। तो हमें सबमिट करना है, यानी कि पेश करें। हमें बताया जा रहा है कि अच्छा 2 क्वेश्चन हमें सेलेक्ट करना है, तो चलिए देखते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, 1 सिक्योरिटी क्वेश्चन और हम यहाँ ऐड कर लेंगे, इसे भी जोड़े पे क्लिक कर देंगे। अब करते हैं सबमिट। अब क्या है, हमारे जो मोबाइल है, जो नंबर हमने यहाँ टाइप किया था, उस पर एक OTP गया होगा जो हमें यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए हम डाल लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जो आईडी पासवर्ड है वो क्रिएट किया जा चुका है, और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो मैं इसे यहीं पे रोक देता हूँ। ये पार्ट 1 रहेगा कि कैसे आपको रजिस्टर करना है। इसके जस्ट बाद मैं पार्ट 2 अपलोड करूँगा, जिसमें बताऊँगा कि आपको लॉगिन करके
आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसके लिए कैसे अप्लाई करना है फुल प्रोसेस मैं बताऊंगा उसमें आपको। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारा वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी तरह का कोई मन में सवाल है, कोई सुझाव है हमारे लिए तो कमेंट करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलूँगा पार्ट 2 लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।